भाई राम राम सारे ने, माता रानी की कृपा बनी रहे, जय भोलेनाथ सारे भाइया ने। और आज लाइव आना इसलिए जरूरी हाल है, कल परसों आया था मैं, आप लोगों ने पता होगा। आज मेरे दोनों तड़के थे, इतने फोन आने लग रहे हैं। अरे वो लेटर कित प्रिंट आउट है कुछ लाइए बे, अक कोई लेटर जारी होया होगा, अक भाई के नाम है सीएम साहब का शपथ ग्रहण समारोह 12 तारीख का है। हालांकि अखबार हमारी दिख 15 अक्टूबर का है, तो 12 तारीख का लेटर था। देखो यो मैं यो लेटर था, यो देखो यो रहा, इसमें दिख है क्या मैं, हाँ यो रे देखो, यो लेटर आ रहा था एक। अरे भाई इतने फोन आ गए, कति बावला बना दिया मैं कति। इसमें लेटर में लिख रखा था न्यू शपथ समारोह हेतु उपलब्ध कर बसें उपलब्ध कराने के लिए 12 तारीख का, यो आज आया है, यो डेट में डेट भी आज की थी। अरे आज अखबार हमारी थी 15 तारीख का, तो भाई बड़का के फोन आए जो 25,000 प्लस 25 हो रहे हैं लगभग मेरे ख्याल में, लेकिन 25,000 तो कति तने बैठे हैं। उन बड़का के लिए उनके फोन आए गए, मैं तो भाई दिन में थोड़ा बहुत सो लिया उतर के सांझ घूम फिर के, तो भाई मैंने देखा को 60 मिस कॉल आ रही थी, मैंने देखा मां भाई सा क्या हो गया। वे बालक इसलिए परेशान थे, एकदम दुखी हो गया कि भाई शपथ ग्रहण समारोह 10 तारीख होगी, कल का दिन रहा यार, परसों शपथ ग्रहण समारोह है, आज बस संग ऑर्डर निकल गया। अक भाई सीएम साहब ने सैनी साहब ने ये बात कही थी, अक शपथ बाद में लूंगा, पहले रिजल्ट दूंगा, मन्ना को ना कही सीएम साहब ने कही थी, जनता के सामने भी कही थी, मेरे आगे पर्सनल भी कही थी। तो मेरे भाइयों मैं आज एक बार फिर ये बता रहा हूं, ये जो कांग्रेस वाले भाई जो एनालिसिस करने लग रहे ना, क्यूकर आ रहे क्यूकर जीते फलाना दिखड़ा, ईवीएम बेओफा है, ईवीएम सेटिंग कर गई, ईवीएम गद्दार लकड़ी फलाना दिखड़ा, ये जो पढ़े लिखे बेरोजगार बालक है, ये खासकर जो 50,000 बालक थे, इन गिंडू बांध दिया थारा, साहित्य बात है या ईबीस ने मानी और से मत मानियो, और 36 बरादरी के 36 पर कति कदे कोई साकी सके बहम हो इस बात का, अगे फलाने जाट नॉन जाट फलाना देखना कुछ ना था, इन वड़का था ही ये पढ़निया लिखनिया वड़क थे, इन जो बैंड बांधा है वो बांधा है असली, तो समीक्षा इस पर कर लियो, बाकी मैं और दे दूंगा समीक्षा तुमने। तो मेरे भाईयो ई बाजा उस टॉपिक पे, सीएम साहब सैनी साहब आपने जुबान दे रखी है, जुबान तो मत फिरियो नाश हो जाएगा ना, तो पहले बता दूं कति नाश इसलिए हो जाएगा, माता रानी का नवरात्रे चल रहे हैं, नवरात्रे में गिफ्ट देना चाहिए आपने, दिवाली आने लग रही है, दिवाली का गिफ्ट देना चाहिए आपने, आपने कह रखी है और आपने कह रखी है, इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कह रखी है, और आप लोगों के ऊपर भरोसा कर रखा है इन बालका ने कि तो खबर चाल जाए, कोई वो पत्रकार कह दे है अग भाई लिस्ट भी आओगी, मतलब ये बालक जो कर ऐसे बना रखे हैं कि भाई एकदम बेचारे एकदम राज्य हो जाए, एकदम कभी खुशी कभी गम, मैं एकदम डूब जाए, डूब भी जाऊं यार जिनके, जो बालक थोड़ा ध्यान दिलाना चाहूंगा, आज से करीब 2 साल पहले माल है कै तारीख का था रहा वो, अपन जो बेरोजगार ही बरात काट दी थी, कोई याद है तारे, वो करीब न्यू मान लो 2 साल हो गए, और जब वो बेरोजगारा की बरात निकली थी, उस बेरोजगारों की बरात में आज भी याद है मुख्यमंत्री खट्टर साहब थे, और उन्होंने ये कहता है जैन तुमने पागल बना रहा है, मानन की जरूरत ना इसकी, आराम भर्ती करेंगे, 50 ट्वीट है आज भी है सीएम साहब के हमारे पास, तभी वैकेंसी निकली थी, वो फिर ये सरकार कहने लगी भर्ती रोको गैंग ने रोक दिया, कोर्ट कार्ट चक्कर कहने का मतलब है 2 साल से बालक रोड़ा के ऊपर है, रोहतक में पहली हजारों बालक की जेल बेरोजगार की बरात निकली, फिर जींद में करनाल में भिवानी में अलग अलग जगह, कहने का मतलब जो पढ़े लिखे बालक थे जिनको अपना पढ़ना था लाइब्रेरी में बैठ के, उनको सड़क पाना पड़ा, कुल मिलाकर लास्ट में ये आया बात, अग भी लिस्ट लागेगी तो फिर वो जो के नाम था रहा उसका, उसने चुनाव आयोग में नुकी थी इनकी भर्ती रोक दो, हाँ वो जयराम ने अप्लीकेशन दे दी, हम दोनों के पास गए थे, हमने कोई भेदभाव नहीं था, हमने कोई लेना देना नहीं था, कोई सी पार्टी वार्टी था, भाई हमने सीधी बातों में बड़कन की आवाज उठा रहे थे, तो करीब 2 साल हो गए थे। अब ये था इब भी बेचारा ये ऑर्डर था भाई कदे बीजेपी आवे कांग्रेस आवे के हो के नहीं हो, अब कोई कुछ भाई मैंने कल कही थी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी ना, तो कुछ भाई मेरे तेने बोले बीजेपी वाले भाई बोला यार आज सरकार बनी भी ना इब तो पहले बांगड़ दे रहा है, मैं ना दे रहा भाई बांगड़ बुंगड़,
अरे हनीमून एक ब्याह जब जिसका ब्याह एक बह हो जाए एक पत्नी हो तो उसके लिए बार बार हनीमून ना हो आ रहा हूँ घूमने फिरने चला जा अलग बात हो है। हनीम दूसरी सरकार आवे तो कैस कह दी 500 दिन से हनीमून तो मना दे हनीमून की जरूरत थोड़ी अनु का सेटअप अनु की घर बछा बछाया है कोई दोबारा थोड़ी कमाना है। कहने का मतलब ये है कि अब जो चल रही है जो बसों की अब जो चल रही थी अब मेरे को अभी बताया किसी ने आके नहीं वो मेरे ख्याल में उल्टा ले लिया एप्लीकेशन कैंसिल हो गया मोदी जी बाहर हैं तो इसलिए वो आने के बाद होगा जो भी तारीख ना होगा। मेरा सिर्फ यो है चाहे दिवाली पे कर लियो शपथ ग्रहण समारोह इस शपथ तो पहले लेकिन इन बड़का की ज्वाइनिंग करवा दो महाराज हाथ जोड़ गए आपसे रिक्वेस्ट है। ये दूसरा कह रही हो हाँ या आचार संहिता अभी हट लिया आचार संहिता का अभी कोई रोल नहीं है या आचार संहिता अभी हट गई है यो भी लेटर आ रहा है देख लो उल्टा सुल्टा करके देख लियो इसने अरे यो बसा का था। और मेरा तो ये था सीएम साहब आपको कि ये बस जो है ना इन बड़का के लिए लगवाओ अगर भाई ज्वाइनिंग देने लग रहे हैं और आ जाओ मैं शपथ लू और तुम ज्वाइनिंग लो मैं शपथ लू थारा रे तुम रिजल्ट लो क्या क्या ये यो था भाई याद होगा थारे कद का था यो यो एक मिनट एक मिनट आगे टीचर है यो कितना हो रहा उल्टा यो इस पद ऊपर लेते बताए ये देखो ये दिखा है याद होगा थारे देखो बेरोजगारी बरात का कार्ड याद है यो चेक करो अरे क्यों हो गया ये अकेल बढ़ रहा ऐसा इसमें ले भाई ये देखो ये याद होगा थारे देखो इसने बारात प्रोग्राम इसने स्क्रीनशॉट ले लियो ये देश में पहली बार हुआ था इंटरनेशनल हुई थी या आप लोगों को पता होगा ना थारा फूफा जिंदा है बेरोजगारी बारात ये इंटरनेशनल प्रोग्राम थे देखो कार्ड इस आज तक नहीं छपा था पूरे देश विदेश तक ये कार्ड गया था। और मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि अब जो ये बसों का जो प्रोग्राम करवाया जा रहा है इस बसों के प्रोग्राम को इस चीज में लगाया जाए अपने आप 25,000 ज्वाइनिंग दोगे अपने घर गए 1,00,000 आदमी पहुंच जाएंगे उड़े और मैं सारा तो कहूं भाई थारी लाख जा रहे जल्द तो अपने घर परिवार वाला ने भी लेके जाइयो और इन्होंने वोट गिर कर इन्होंने लोगों का ये खुद मतलब ये बने हैं सब तो बड़े प्रचारक ना बेरा होता है सिर्फ हमने और कोई मतलब नहीं हम भी थोड़े बहुत दिन आराम भी कर लेंगे और हम कुछ नहीं कह रहे आप लोगों ने जो बात कह रखी है वो बात हम आपको कह रहे हैं हमने कोई इस चीज से लंबा चौड़ा लेना देना नहीं है। मेरा इन बड़का ने इसलिए कह रहा हूं मेरा जीना आराम कर रखा है मैं मेरे मत्था पट जाएगा भाई सीधी बात है। तो सीएम साहब को हम ये कहना चाहते हैं प्रशासन शासन बता दियो भाई जो डीपीआर वाले और बतेरे सीआईडी आईबी पुलिस वाले हैं तो मुख्यमंत्री साहब आपसे रिक्वेस्ट है आप रिजल्ट डिक्लेयर कीजिए बच्चों को बसों के लिए बच्चों को बोलाइए सारे आवेंगे अपने आप उड़े बुलाओ सारा ना उड़े ज्वाइनिंग लेटर तो देखो कितना बढ़िया लगेगा इसका बढ़िया काम उसका है बहुत बढ़िया लगेगा। और बड़का ये घर माता रानी का माता अभी बताओ चल रहे नवरात्रि माता रानी खुश होगी माता रानी का नवरात्रि गिफ्ट दीजिए आप दिवाली आगी दिवाली गिफ्ट दीजिए हजारों नहीं लाखों लोगों के घर दिवाली मनेगी तो हम तो आपको ये कैस कह हैं और तो मैं कुछ नहीं कहता भाई और तो मैं क्या और तो क्या कह सकू और जानकारी के लिए नोट करियो अब जो मेन महत्वपूर्ण बात है शासन प्रशासन कर लियो मुख्यमंत्री कर लियो सारे कर लियो जिस दिन आपका शपथ ग्रहण समारोह होगा मुख्यमंत्री साहब रिजल्ट दे दीजिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा अगर रिजल्ट नहीं दिया तो फिर मैं इन बड़का ने आपके शपथ ग्रहण समारोह में लेकर आऊंगा चाहे जेल भेजियो चाहे जान त मारियो चाहे लठ मारियो चाहे जो जी करो वो कर लियो मेरा पता एक दर्जन पहले केस लग रहे हैं एक और लग जाएगा जेल चला जाऊंगा जान तो चला जाऊंगा लेकिन शपथ मत ले लियो बिना रिजल्ट के सीधी बात है बात जुबान की है सीएम साहब। और इसमें 36 बरादरी के बालक हैं इसमें हर क्षेत्र के बालक हैं बेरोजगार बालक हैं आप लोगों को भी वोट देने वाले सारे डाल के बालक हैं आप लोगों की जय बोलनिया भी होंगे आप लोग आने चलो आपकी आलोचना करने वाले भी होंगे कहने का मतलब ये है ये बालक करीम बालक हैं तो इन बालका के साथ ऐसा मत करियो जुबान पर यो आप मैं आपको बताऊं ये आपका बहुत बड़ा काम होगा और
लोग बहुत सालों तक याद रखेंगे, खासकर ये जो बालक ला गए। तो इसलिए मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, अगर भाई हाथ जोड़ कर कौन आता है, हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, आप सीएम साहब इन बड़का रिजल्ट डिक्लेयर कर दो, इन्हें बुलाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं तो हमने आना पड़ेगा, आपकी शपथ ग्रहण समारोह में आवेंगे और इन बड़का ने ले आऊंगा और वादा याद दिलाऊंगा, सीधी बात है। और एक चीज और भाई, ई बी आई सरकार बनेगी, ये तो जनता ने बनानी है भाई, किसकी सरकार बनी किसकी ना बनी, ई बे भाई ये कांग्रेस वाले भाई, ये जो भाई ईवीएम बेवफा होगी, ईवीएम फलाना दिखड़ा टर्म से टर्म है, भाई आप लोगों को भी आवाज उठानी चाहिए, बोल रहा है कोई सा विधायक बन लिए, अरे हम बोलने लग रहे तुम क्यों ना बोलते, फिर वो राम वो काम है घर में ठहरा चाहिए, लठ खावे रीछ माल खाओ मंडे खावे बांदरी न्यू तो ठीक ना है, सच्चाई का भी स्वीकार करो मेरे भाइयों, है लड़ाई भी लड़ो, पांच महीने निकल की मारते पांच महीने उछल कर देते, जनता थोड़ी गल्ले हो जाएगी, पांच साल लड़ना पड़ेगा, आवाज उठाओ लोगों की, अरीब सर तो पहले दिन नहीं आवाज उठाओ, इन वाला कहीं उठाते क्यों ना, अगजाइंद ने ठा रखा है मामला तो इसलिए, अगजाइंद ने ठा रखा था क्यों, जाइंद ने वो करो, मेरा को मतलब पेटेंट थोड़ी है, उठाओ क्यों नहीं उठाओ, अपना पैदल चल लो सड़क पर उतरो, कहां कहो सारे कहा भाई वादा कर रखे ना भाओ, मारी तो सरकार बनाए, मारी तो थारी सरकार बनाए, तो भाई उसमें भी हम तो मारा तो यही काम था जो तुमने आवाज दे कर रखे थे, वे वादे याद दिलाने हैं, मारा तो और काम के है, जनता की आवाज उठाना है, तो मेरे भाइयों इसलिए यही, तो भाई मुख्यमंत्री जी की शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी करो, मुख्यमंत्री जी आपको रिजल्ट दे देते हैं तो मुख्यमंत्री जी को लड्डू जलेबी किते आली गवाने आली आर्डर होते काली किता की लड्डू चाहे किता का भाई खोआ किता की बर्फी पूरे हरियाणा में अलग अलग जगह आपके पास जो भी अच्छी मिठाइयां हैं वे पैक कराओ और लेके जाइयो, बधाई देखाइयो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छे हम भी बधाई देंगे, आपने बहुत बढ़िया काम कर दिया, और नहीं तो भाई शपथ ग्रहण समारोह है उड़े चल लेंगे, उड़े जाकर फिर सवाल भी पूछेंगे, बिल्कुल पूछेंगे भाई, हम तो उल्टे अटक में ना और केस लग जाए, मारे थे लिख रखे हैं ये भी कित जाओ बाज के कित जाओ, और एक चीज में और कई भाई कह रहे कई फोन आ रहे थे, और मैं तो खरी सूच में पड़ता नहीं, लेकिन कुछ लोग बड़े निराश हैं हताश हैं, कोई बात नहीं भाई, हर जीत नहीं चलती रहा है, निराश हताश से होने तक की जरूरत है भाई, ये जनता पे कोई एहसान नहीं कर रहे, आप अगर जनता की सेवा कर रहे हो, आप जनता के लिए संघर्ष कर रहे हो तो कोई जनता पे एहसान नहीं है, आप लोग कर रहे हो निस्वार्थ करो, निपात से भाई काम खाता इन चीजें कोई मतलब इसका कोई लेना देना नहीं है, अगर भाई हार गए तो फिर जनता ने उल्टा छुलटा मत बोलो, ऐसा आप लोगों से रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के, क्योंकि हमने तो फिर 21 साल हो गए भाई, इन्हू तो हमने के ब्रैके के गिनाना पड़ेगा, 21 साल हो गए, 21 महीने तो रोए जाएगा, 21 महीने तो मतलब किलकी मार मार के धाड़े मार मार के रोने पड़ेंगे, आए रहे न्यू करा न्यू करा उन न्यू ना करा उन्होंने, ये सब की अपनी ड्यूटी लगा रखी है, आप और हम कोई करने वाले नहीं है, ऊपर वाला भगवान जो है वो करवाता है और जो वो करवाता है वही हम करते हैं मेरे भाइयों, बाकी तो थारी मर्जी है भाई, चाहे किसी ने रसोई बंद कर दी, बोला किसी ने बस बंद कर दी, किसी कोई कम में गया मैं या बंद करूं कोई कम में गया, आप लोगों का जितनी कैपेसिटी आप करो, शान मत दिखाओ जनता के ऊपर, ये सही नहीं है, ये मतलब व्यवहारिक भी बात नहीं है, सामाजिक भी बात नहीं है, मेरे हिसाब से तो है नहीं भाई, बाकी तो मर्जी है भाई थारा, तुमने जो सोचा ही भाई, इमाम मान ले नु कहेंगे भाई माम नु ये तो कह सकें भाई मारे बस की कौन है, मान ले हम काल ने नु कहें भाई मारे बस की कौन है, आंदोलन करना आवाज उठाना, लेकिन न्यू थोड़ी रुके मारे के कहेंगे अगर हमने न्यू करा ये करा उन मारता है के करा, वो नहीं वो थोड़ी कही जाएगी, वो रुके थोड़ी मारे जा रहे भाई, ठीक है हमारी कैपेसिटी जितना हमने करा उतना करा, जितना कर सके उतना करेंगे, लेकिन वह चीज ठीक होने, मैं उन सब भाइयों तो यह बात कहूंगा, क्योंकि आज भी कर ही थे बोला कोई बनाना रसोई चला रहा था, बोला अखबार रसोई बंद कर दिया गया था, अरे यार ये फिर तुमने ये इस चीज के लिए चला रखी थी, तुम जीतोगे तुम नौ करेंगे, ये कौन सा वो है, ये तो कोई बात नहीं है, हार जीत होती है कोई जरूरी नहीं है, अगर अच्छा आदमी मन पन से भी वोट ना हो यार बूंदा 50,000 ले जाए या की बात है, सबकी अपनी किस्मत सबके अपने कर्म की बात है, वह कोई बड़ी बात नहीं होती, और ये ईवीएम मैंने गाली देने की जरूरत है नहीं भाई, ये अरे दुख दाख मानने की जरूरत ना होती भाई, ठीक है अपनी जो किस्मत में है
बोले जो लोग किसी ने कुछ भी ना मिलता वे नरे लोग हैं। भगत सिंह ने के मिले चंद्रशेखर आजाद सुभाष चंद्र बोस राम प्रसाद लसपाकुला मदन लाल दिंगड़ा उद्धम सिंह इन के मिले किसी ने कुछ ना मिल रहा क्या मेरे भाई। तो आवाज उठाओ जनता को जागरूक करो जनता के लिए लड़ो ठीक है अगर कुछ मिल जाए ठीक है नहीं मिल रहा है तो आपके हाथ में ठीक है ये थोड़ा है क्या आज के जमाने में। तो यही थी तो पहले वो कहना पहले बल्ला मतदान उसके बाद जलपान एक आया करे ना पहले मतदान फिर जलपान। तो पहले रिजल्ट ज्वाइनिंग और फिर शपथ यो मेरे ख्याल में यो होना चाहिए भाई। बाकी तो तैयार हो जाइयो भाई जितने भी है 25,000 वाले ध्यान रखियो मन ने कोई ना बुलाता भाई मन ने तो कोई सी पार्टी ना बुलाती ना तो सारी बुलाओ मैं नाम क्यों ना बुला का कोई ना बुलाए मारे जिसे आदमी किसी ने पसंद ना आया हम तो नहीं हुए ठीक है जिसे है अपना मौज में है भाईचारे का साथ है और कोई प्रॉब्लम नहीं तो सारे तैयार हो जाइयो भाई ठीक है। रिजल्ट सारा आ जा तो अपने अपने इलाकों की मिठाइयां लेके चले जाइए उड़े रिजल्ट नहीं आवे तो भाई अपने अपने बोर्ड लेके चले जाइयो याद दिलाने के लिए। और मुझे आशा है उम्मीद है कि ऐसा सैनी साहब नहीं करेंगे जो जुबान दे रखी है उस पर रहेंगे। इसमें HSSC में के नाम उनका अपना हिम्मत सिंह साहब आप स्टाफ कम होता उड़ा और स्टाफ बुला लो ये सब तगड़ा काम है और जन ये असली चीज है ये उड़ा कम से कम 50,000 1,00,000 आदमी आओगे इससे बढ़िया कोई शपथ ग्रहण आपका मुझे नहीं लगता किसी भी मुख्यमंत्री का इससे बढ़िया कोई शपथ ग्रहण आज तक होया होगा या होगा। आप अपने स्वयं ही बुलाकर 25,000 बड़का रिजल्ट दे गए ज्वाइनिंग की मतलब जो भी है करवा के फिर आप शपथ ले हो बहुत बढ़िया रहेगा। बाकी तो मैं कुछ नहीं कह सकता भाई बाकी मैं तो तैयार हूं शपथ ग्रहण समारोह में अगर इन बड़का का रिजल्ट नहीं आया तो हम तो अपने तंबू से आपके पास आएंगे और चलेंगे और जरूर याद करेंगे और जरूर अरे ये जितने भी ये हार उड़ रहे हैं ये भाई ईशा मत करो अरे तैयार आदमी थोड़ी मरे आया था रहे आदमी मर जाते जब तो क्यों यार हार गए यार जीत गए क्या बात है हार गए जो हिम्मत मत हारो हार गए आप लोग जनता के लिए संघर्ष करो 5 साल है बड़े हैं जीत गए जो सेवा कर लो बताइए इसमें के लंबा चौड़ा है। तो इसलिए भाई तैयार हो जाइयो भाई जितने भी भाई हैं सारे इस वीडियो ने सारे उड़े शेयर कर दियो सारे का भेज दियो अरे ये मेरे तो बुरा मानने की जरूरत ना है कई बीजेपी वाले फोन आए थे कॉमेंट करे थे के तगाजा मान रहा तगाजा के मान रहा हूं तगाजा है कह रहा है तगाजा है और कोई ना बोल रहा थारे आगे हमने भी बेरा इस बात का हम बोल लेंगे पर हम थोड़ी रहेंगे कोई फर्क ना पड़ता मेरे भाई और थारे भी है बीजेपी वाला के भी मेरे लागेंगे इसमें बीजेपी कांग्रेस का मतलब नहीं है सब लागेंगे सारे क्षेत्र के लागेंगे 37वीं बिरादरी थी या इस 37वीं बिरादरी का ये रोल रहा है थारी सरकार ने मैं थरता बताऊं कदे तम न्यू और दूसरी हवाओं में कदे हमारी तो न्यू थी मैनेजमेंट थी फलाना था दखड़ा था इनकी वो थी माता रानी है तो माता रानी का गिफ्ट दो नवरात्रा गिफ्ट दिवाली गिफ्ट है काली दिवाली मत मनवाइयो रे कति नाश हो जाएगा इन बड़का का बहुत मुंडी आया लग गई शराब लग गएगा और मैं ऐसा नहीं चाहता अगर भाई ये बालक दुखी हूं और भाई बड़का तो मैंने कहूं मेरा फोन करने की कति जरूरत नहीं है यार तुमने भी कति बांच दिया मैं कति मैं थारी गल्या हूं कति गल्या हूं चिंता मत करो कितना नहीं जाता मैं थारी ज्वाइनिंग करवाए बिना कितना नहीं जाता अरे हमने नहीं चाहिए थारे पताशे भी थारा गुलदाना भी ना चाहिए भाई कदे कोई हम कोई माम कोई एहसान नहीं कर रहे हैं हमने एक इशू 2 साल पहले उठाया था और जब तक वो पूरा नहीं हो जाता एक यो रह रहा बाकी हमने जो भी कुछ कराया भगवान की दया थे 90% रिजल्ट आए हैं अपने तापा ने जो भी इशू उठाए जो भी आवाज उठाई और जितना भी हो तो आगे भी नहीं उठाते रहे ऐसे ही भोलेनाथ की भगवान परशुराम की शंकर भगवान की बजरंग बली की बाबा खाटू श्याम की कृपा माता रानी की बनी रहे हमारे पे हम न्यू लड़ते रहेंगे जितना उसका उतना लड़ाई जितनी ताकत भगवान देगा जितना भाईचारा देगा वह करेंगे। बाकी तुम सारे के सारे तैयार हो जाओ अपने ड्रेस संभालो एक तरह बेशक बेरोजगार हो मैंने बेरा है क्योंकि जब पापा ने बेरोजगार की अदालत लगवाई थी तो उड़द को 3,000 बालक आ रहे थे 3,000 बालक में 25-30 तक गाड़ी थी जो कि एक छोटे भैया नेता की गल 50 गाड़ी हंड है आजकल 3,000 बालक में और करीब 1,000 तो बाइक थी और कोई ऑटो मारा था कोई बस मारा था कोई क्या मारा था बेचारा
लेकिन फिर भी मैं एक बात कहूंगा, एक नई ड्रेस समो, अगर आपका रिजल्ट आ जाए, आपकी रिजल्ट आ जाए तो आप नई पेंट ब्रशट समा लो, वफायर घसा लियो, और अगर रिजल्ट नहीं आता है तो जो थारे जिसे पट्टे फूटे जो लगते है ना, वो पट्टे उड़ाने पैर घसा लेंगे सारे, अपने पट्टे उड़ पैर लियो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपनी दो ड्रेस रख लो, अच्छा हो जाता बढ़िया। और नुकायर बुंडा क्यों बोलना भाई, हम बढ़िया हो सारे अच्छे। फायर ऑपरेटर की ज्वाइनिंग भाई, फायर ऑपरेटर वाला की भी चिंता मत करो, जितने भी इशू उठा रखे फायर ऑपरेटर की भी है, टीजीटी पीजीटी कंप्यूटर सेकंड लिस्ट 56-57 जेई हरियाणा पुलिस पटवारी सेक्रेटरी, मैं सारे जानू हूँ। मैं वो कोना के तुम जाओगे मेरे दर को आओगे, कई ने नाम लेना ठीक है ना, कई नेताओं द्वारा गए जब ये बाला कह जियो नुनू मामला है जी, ग्रुप सी बोला सीईटी बोला सीईटी या के है या कौन है या सीईटी बोला, हम भी थोड़ी है यार, किसी से बतानी पड़ेगी कि ये सीईटी क्या है, अरे बोला ये ग्रुप डी के है, सी के है, 56-57 के है, थोड़े है बहुत हम भी पढ़े लिखे हैं यार, गणे ना था तो भाई, और क्या कि मैं कुछ नहीं कहना था, मेरे ख्याल में यार ये बात थी। तो चिंता मत करो मेरे भाईयो, घबराओ मत, बी पॉजिटिव रहो, और पॉजिटिव नहीं रहते हो, नेगेटिविटी आओ थोड़ी बहुत, भोलेनाथ का नाम लो और लड़ने के लिए तैयार रहो, सीधी बात है, लड़ाई लड़े बिना कभी माँ भी दूध नहीं पाया, अगर तुमने बेरा इस बात का बालक ने, ये तो सरकारें हैं, तो याद दिलाऊंगे सीएम साहब को और प्रधान पीएम साहब को, क्योंकि बहुत बड़ी बात है, प्रधानमंत्री जी भी कह गए थे, तो उनकी बात का भरोसा करना ही पड़ेगा भाई। मुख्यमंत्री साहब जब कह रहे हैं, मेरे साथ कभी पर्सनल की थी आप लोगों, जो मुलाकात मेल मुलाकात हुई थी आप लोगों को बताई थी मैंने, दिखाई थी कोई लोक में, तो कुछ बात थी नहीं, दोनों जगह गए थे, दोनों पार्टियों के पास गए थे। तो मेरे भाइयों, और जितने भी विपक्ष में ही वे भी कहो अखबे हाँ करवाओ ज्वाइनिंग, मैं एकला कहने लग रहा हूँ, ये चिंता मत करो, दो साल तक ज्वाइन था रहा था, इसका सर मन ना चाहिए, सर है सर भी तुम ले लियो, हम तो कह देंगे तुमने दवा दिया सब कुछ। तो भाई इसलिए जितने भी भाई हैं, इस वीडियो को शेयर कर दियो, जितने भी ग्रुप हम कृषको जित भी कृषको अरुण बड़का ने बता दियो, जिस दिन शपथ होगी उस दिन सारे अगर हो जाए, और सीएम साहब से मेरी रिक्वेस्ट है, इन सब बड़का ने बुलाओ और ज्वाइनिंग लेटर दौड़े रिजल्ट दौड़े, अरे भाई ना तो भाई अपने पार्टी ऑर्डर लेते जिसे थारे दौरे हैं जिसे मारे दौरे हैं उड़े चल लेंगे। और ये भाई जो कह रहे हैं आके भाई ये बात सरकार भी ना बनी है तू क्यों बांगड़ा लेगा पास पड़ लिया, मेरे भाइयों मेरा कोई पर्सनल स्वार्थ नहीं इसमें, ना मैंने कोई ये इन रुपये दे रखे मेरे तक, इन मेरे तक रुपये दे रखे हैं भाई करोड़ दो करोड़ रुपये आके भाई मारी ज्वाइनिंग हो जाएगी, थे ना मैंने चाहिए मेरे भाइयों, एक आवाज उठा रखी थी, काम अधूरा रह रही हो पूरा कर देंगे भाई, किस अगर होगा जो लड़ सकते हैं लड़े हम तब गणे ही हुआ कुछ हम कहते को, तो बहुत बहुत आप कह रहे हैं वो कि जन्मदिन किसका है, देखिए इनके अठियर है, इनके परिवार देखो भाई, ये इनके परिवार कई आ गए थे बैठे ही बताई दिखा है तुमने, ये देखे ये कई तो बालक आ रहे हैं, ये भी नौकरी लागने हैं बेचारे वे, ये बाकी देखो हम तो ना हारे उड़ ना जीते उड़, बाकी आजकल देखोगे ना तो हारे उड़ जो आ रहे हैं जिनका निरी पब्लिक बढ़ रही थी, निरी पब्लिक बढ़ रही थी, वह पब्लिक पावन हीगी, क्योंकि पता चल जाएगा आप लोगों को सत्ता के साथ है नेता वेता कोई सौदा ना, आप नेता भी को ना लेकिन अपना भाईचारा है फिर भी आदमी ना तो कोई पत्ता को ना बड़े बड़े नेता जाग दे कौन के घर कोई भी को ना, तुमने ना भी राज्य कौन के ऑफिस में जाग दे कहो कुछ को ना सौदा, सत्ता को सलाम है पावर को सलाम, लेकिन अपने साथ जो भाईचारा है सिस्टम है वे संघर्ष को सलाम करने वाले लोग हैं। और ऐसे मेरे भाइयों को 36 बरादरी के भाई नहीं 37 बरादरी के भाई आ गए, अपना मजबूत कह रहे ना वे हैं, जब अपने दौर कुछ भी नहीं तंबू में यू हाल मारा तंबू में, अक लोग भगवान की दया दे तरक्की दे सांझ तई आनिया जानिया ओका पानी पीनिया है यार कोई शमाला नहीं है, नुकह रहे चार आदमी हो आज के दिन बहुत है ना, तो बड़ी बड़ी कोठी बड़े बड़े पद्दा आने दौर कुछ को ना सौदा को ना खाली सौदा हो रहा है, लेकिन आपके लिए तंबू हमेशा खुला रहेगा जब तक है, जब सरकार बुलडोजर चलाओगी तो वो तुमने दिखेगा भाई, ना तो हम तो आड़े वो ही बात है भाई समस्या समाधान के लिए बैठे हैं, और तो अपना कुछ वो है नहीं, कोई लेंटर तो हमने गिर नहीं रखा भाई आड़े, बाकी हाँ ये एक बात है सीटी क्वालिफाई वाला, सीटी क्वालिफाई वाले चिंता मत करो मेरे भाई, ये एक बहुत बड़ा इशू है, एक भाई यो काम बोलने दो, इसके बाद मुख्यमंत्री जी से पर्सनल जाके मिलना हो चाहे पां पकड़ने हो उसके थारे ताई मन ने अपने ताई कोई ना आपने पकड़ा क्या है,
थारे ताई यो बहुत बढ़िया बात है। सीटी क्वालिफाई वाला जो इशू है ये बिल्कुल जेन्युइन है और ये आप लोग चिंता मत करियो, ये इशू मैं बिल्कुल बार बार उठा रहा हूँ, फिर उठाऊंगा, फिर समझाऊंगे। सड़क पर उतरना पड़ेगा तो सड़क पर उतरेंगे, ये सीटी क्वालिफाई बिल्कुल करवाऊंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इस चीज का मौका मिले। इसमें कोई शक शंका नहीं है, ये सरकार का जो भी है इसकी पॉलिसी को सीटी क्वालिफाई होनी चाहिए। इसके लिए मैं आप लोगों के साथ हूँ। टीजीटी सेकंड लिस्ट, बिल्कुल टीजीटी सेकंड लिस्ट, फायर ऑपरेटर भी ठीक है भाई, सीपीएलओ एलसीएलओ, थारी भी बात बिल्कुल सीपीएलओ एलसीएलओ, तुम भी चिंता मत करो मेरे भाई। एक भाई वो काम करवा लेने तो जो सीएम साहब ने पहले आउट रखी है, उसके बाद जिस जिसने वो भी बडोली साहब ने सीपीएलओ एलसीएलओ वाली ओटी दिख बोला एक भाई आचार संहिता लागू उसके बाद कर देंगे। तो चिंता मत करो, जो भी आप लोगों का इशू है सारे लड़ाई लड़ेगा थारा भाई, सबके हक के लिए न्याय के लिए लड़ेगा। अरे ये विपक्ष वाले पांच साल लोग के बैठे पाऊ ये ना पाऊ की तभी इनका संटा पाए ना जा रहा, कदे ईवीएम ने गाड़ दे, कदे किसे ने गाड़ दे, कदे किसे ने गाड़ दे। तो इसलिए संघर्ष करो और आप चेक करते रहो, पांच साल के संघर्ष से कुछ नहीं मिलता है, एसी में बैठ के कुछ नहीं मिलता है, हैं? पांच साल के तो मिल लगा, पांच महीने के तो नहीं, पांच महीने की किलकियां तो नहीं मिल रहा भाई। सेफ करो, कौन सी सारी सेफ है, चिंता मत करो, जब तक जिंदा हूं मर गया तो भाई मैं फिर कुछ कह नहीं सकता अपना, और देख लियो। बाकी मैं तो फिर भी अभी बात कहूं, अपनी लड़ाई खुद उठाना सीखो, किसी के भरोसा नहीं, जिंदगी भरोसा भी नहीं, कोई फायदा नहीं है, ठीक है भाई है? तो भाई एक भाई का जन्मदिन आ रहा है उसका, अरे एक भाई हो भाई, ओ भाई जन्मदिन कौन से गाल लिया एक बारे ना लाइव चल रहे नो बनो कोई ना हुआ जा रहा है, आ जाओ एक बार सारे इन्हें बधाई दे दो, आजा आजा। ये है बिजेंद्र भाई का जन्मदिन आज, और संघर्ष का साथी है सारी आना 24 घंटे संघर्ष में खड़िया रहे भाई मारे गल्या, और सारी डाला मदद कर रहे है तन मन धन, कति चाहे 12 बजे के 2 बजे फोन कर लिया जब भी खड़िया पाव है भाई। बिजेंद्र भाई जो है न्यू मान लो आके अपने बड़े भाई है, और मैं तो इन्हें कहूंगा भाई 100 साल कै साल का हो गया महाराज, आज तक कटिंग वटिंग करा कर लगता तो कौन है 53 साल का हो रहा है, और भाई हम तेन कह 100 साल तक जीव है भाई, कितने साल की इच्छा है भगवान बोला मान ही ना जाता जितने भी रतन टाटा जितना तो सही है, रतन टाटा आज भाई रतन टाटा जी बड़े अपने देश के बड़े उद्योगपति थे, उनकी भगवान आत्मा को शांति थे, बड़े अच्छे आदमी थे, तो वो भी बात ठीक है। बाकी बिजेंद्र भाई का जन्मदिन है, भोलेनाथ कृपा बनाए रखे हैं इन पे, और सारी आना मतलब देखो तंबू में तो सीधी बात आके कोई जन्मदिन मनावे है, लोग आगे बड़ी बड़ी कोठिया में जाके मनने है आड़े तंबू में आके मनाओ, बधाई दे भाई सारा आठ जमा लाए और दाग लेना सारे आओ चल रहे। आज अपने बजेंद्र त्रिजी आज जन्मदिन है भाई, ये जो संघर्ष ने कराया ना गेला नवीन जैन भाई साहब के साथ में, मतलब कति यादगार काम है भाई, यो सीधे सीधे आदमी को अगला हो भाई अगला लंबी चौड़ी उम्र अगला। बड़े भाई बजेंद्र त्री को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, जय हिंद जय भारत। अगला भाई अगला हमारे बड़े भाई बजेंद्र त्री को जन्मदिन की शुभकामनाएं। अगला भाई अगला बजेंद्र भाई साहब को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। अरे तू कति गोलू मुलू के करो गया अगला 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 तक आज दाओ भगवान करे बजेंद्र के जो है लंबी उम्र दे, और ऐसी सदबुद्धि और भाई जो विवेक से काम करे है, और जो नेताजी जो बात कह रहे हैं इसका साथ पूरा बजेंद्र देता है, 5 साल से जो है ये भी नेताजी के साथ आवाज उठाता है, तो ऐसे आदमी को संघर्षशील आदमी को कहीं भाई चेयरमैन वगैरह ऐसे आदमी को बनाओ, कहीं मंत्री जो आपके कहने से एक मिनट में दस्तक हो जाए इसके। हाँ बिल्कुल अपना अपनी सरकार है, चिंता मत करो, रोड वाली सरकार को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, माता हमेशा कृपा बने रखे भाई साहब। ओके बहुत बहुत धन्यवाद सभी भाइयों। अगला भाई कोई रह गया आज आ रहा है कितना भेजे भाई, मारे भाई बजेंद्र त्रिगो जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और भाई स्वस्थ रहे और खुश रहे हमेशा, और तेरी मनोकामना पूरी। तो मेरे भाइयों बजेंद्र भाई का जन्मदिन था आज, ये अपना केक क्या के लेके आओगे ये बाड़े तंबू में अपना जन्मदिन मनाओगे, और आप लोगों के लिए ये जो भी साथी हैं भाई हैं सारे शपथ ग्रहण के लिए तैयार हैं, चिंता मत करियो बेरोजगार मेरे भाइयों है ना,
ये लड़ाई लड़ने वाले हम तो देखो मुट्ठी भर के लोग हैं, ज्यादा नहीं है, 10 20 50 100 200 के लोग गणे के, 5000 के लोग, 2000 के लोग इतने हैं, नुगा रहे हैं बतेरे यार, 200 300 आदमी तो बहुत हैं। बाकी आप लोगों की एक ग्रुप डी भाई, ग्रुप डी सारे जो भी कहने का मतलब चिंता मत करो, आप लोग बिल्कुल हताश निराश मत होना, आप लोगों की लड़ाई लड़ेंगे और भरोसा रखियो। बाकी मैं तो जो और बन रहे हैं ना, ये जो एमएलए वगैरह जितने भी विपक्ष वाले भाई हैं, बहुत से नौजवान साथी बन रहे हैं, उनको भी कहूंगा आप आवाज उठाओ। और हाँ, आवाज उठाने का मतलब ये नहीं है सिर्फ फेसबुक ट्विटर व्हाट्सएप इंस्टाग्राम वाली आवाज ना होती, सड़क पर आवाज अपनी, तो सड़क की सरकार है। और एक बार सरकार ने इसे पतोपत लेने दो, ज्वाइन करवा दो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। जय हिंद, जय भोलेनाथ। गलती सलती माफ।